दोस्तों, आजकल लोगों को सिर्फ महाभारत पता है, लेकिन कुछ रहस्यमय ना कही बातें जो शायद ही आप जानते होंगे और ना ही कोई आपसे बताना चाहेगा। दोस्तों, चलिए आज कुछ ना कही रहस्य बातें जानते हैं। वीडियो में खो जाने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर आपका प्यार जरूर छोड़ दीजिएगा। दोस्तों, आप सब तो जानते होंगे विचित्र वीर के लिए भीष्म अंबा अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर में जाते हैं और अंबिका और अंबालिका राजकुमार से विवाह करने तैयार हो जाते हैं, जबकि अंबा का एक प्रेमी होने के कारण वे विवाह करने से इनकार कर देती है। भीष्म से सहमत होकर उसे जाने देता है और अंबिका और अंबालिका को अपने साथ हस्तिनापुर ले आता है। दोस्तों, भीष्म द्वारा अपहरण कर लेने के कारण अंबा का प्रेमी भी उससे विवाह करने से इनकार कर देता है। दोस्तों, जिसके बाद अंबा और अंबालिका का विचित्र वीर से विवाह हो जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि भागवत पुराण के अनुसार विचित्र वीर का मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से कुछ ही दिन में हो गई थी, जिस कारण अंबिका और अंबालिका निसंतान हो गए, जिसके बाद उन्हें पुत्र प्राप्त कराने हेतु उस समय के सबसे बुद्धिमान और प्रसिद्ध ब्राह्मण व्यास को उन्हें आशीर्वाद देने कहा जाता है। दोस्तों, ये परंपरा भारतीय पौराणिक कथाओं में बहुत ही लंबे समय से मौजूद है। दोस्तों, व्यास जी भूढ़ा दिखने के कारण अंबिका उसे देखना नहीं चाहती थी। इसके कारण उनका संभोग चलते समय अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसके परिणाम से एक अंधा बच्चे के रूप में धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। दोस्तों, ठीक उसी तरह अंबालिका भी उस समय बहुत ही भयभीत हो जाती है, जिस कारण उसका चेहरा पीला पड़ जाती है, जिस परिणाम से पांडु को जन्म से ही पीलिया हो जाती है। दोस्तों, ब्राह्मणों का तीन बार ऐसा करने का नियम था। दोस्तों, जब तीनवीं बार व्यास जी आए, तब अंबिका और अंबालिका ने उसके साथ छल किया और उन्हें एक दासी के कक्ष में भेज दिया, और वो दासी बिना किसी भय के उनके साथ संभोग करती है, जिस पल स्वरूप विदुर का जन्म हुआ, जो यमराज का अवतार था और विदुर महाभारत का सबसे बुद्धिमान थे, जो हस्तिनापुर का महामंत्री बने। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आशा करता हूँ कि इस छोटी सी जानकारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आप भले ही सब्सक्राइब ना करें, लेकिन आपके एक मित्र के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा।